और एगो मुद्दा पे हम लाइव आइल बनी कि हमारे एल्बम में एक लड़की नेपाल की काम किया जिसका नाम है सोम्या पोखरेल। उसने एक मीडिया के हमारे ही पार्टी लॉन्चिंग पार्टी में किसी मीडिया भाई द्वारा बयान दे दिए कि कौन पवन सिंह मैं नहीं जानती। तो सबसे बड़ा चीज कि उसको ये नहीं बोलना चाहिए। अगर दो पहलू पे हम लोग बात करेंगे, अगर उसने ये बोला है, हम उससे बात किए, बोले कि सोम्या ऐसा बात क्यों बोली तुम, तो उसने बोला कि देखिए हमारे पास एक वीडियो आया था जो कि पवन भैया के सेट पे हमारा भी इंटरव्यू ले चुकी हैं लड़की और वो इंटरव्यू वाले लोग, तो लोग पहुंचे थे, वो लोग भी पूछे थे कि खेसारी लाल यादव के साथ किसी से पूछे थे कि प्रोजेक्ट आएगा, तो बोले कौन खेसारी लाल यादव, तो हम देखे तो हमको भी बुरा लगा, बोल दिए। और सबसे बड़ा चीज है कि अगर इसमें कोई बोल दिया कि हम नहीं जानते हैं तो हम लड़ाई करेंगे जी, उसको गाली देंगे कि हमें जानो, हम परिचय का मोहताज है। अगर हमें कोई बोल देता है कि हम आपको नहीं जानते हैं तो इसमें हम जबरदस्ती करेंगे। हम पवन भैया हो चाहे खेसारी भैया हो, दोनों लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उनको ऑल ओवर भोजपुरी जानता। अगर उसने बोल भी दिया कि मैं नहीं जानती हूँ तो उसका वो कॉल है, हो सकता है वो नहीं लाइक करती हो, उनको नहीं जानती हो तो बोल दी। इस पे देख रहे हैं कि उसको लोग गाली गलौज दे रहे हैं, ये 2% के जो कुछ हैं जो हम लोगों के कंट्रोवर्सी में हमेशा शामिल होकर अपना 2 रुपया का कमाने का काम करते हैं ये लोग। पवन भैया को एक उसके सोम्या के कहने से पवन भैया का आज अस्तित्व इतना कमजोर तुम लोग दिखा रहे हो कि वो बोल दी कि हम नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब क्या कि पवन भैया को कोई नहीं जानता है? अरे हम लोग कभी बोले हैं, हम लोग जितने भी हमारे टीम के लोग हैं, चाहे खेसारी भैया हो चाहे हमारे साथ काम करने वाले वो हर इंडस्ट्री के लोग हों, वो कभी बोलने गए हैं कि पवन भैया को क्यों नहीं, हम पवन भैया को जानेंगे? वो उसका कॉल था, उसे बुरा लगा था। आपको पता है कि जब वो किसी का टैटू करवा सकती है अपने हाथों पे, तो उसने बोल दिया, उसे बुरा लगा हो। कोई बोला कि खेसारी लाल यादव तो उनके बाउंसर बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं, तो उसने भी बोल दिया। इसमें लड़ाई झगड़ा और गाली वाला बात कहां से आ गया? और हमारा स्तर इतना नीचे थोड़े गिर गया है जी कि हम किसी को बोलेंगे कि हम नहीं जानते, उससे हमारा स्टेटम हमको कोई नहीं जानता है तो क्या हम अखिलेश कश्यप नहीं है? जबरदस्ती बिना मतलब कि एक दूसरे देश की लड़की अपना काम कर रही है बेचारी, उसको आप लोग डिस्टर्ब किए हैं। अरे हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं भाई, हमको हक है, हमारा हक है। हम जबरदस्ती किसी को बोल दें कि हम जानते हैं, हम ना किसी से मिले हैं ना किसी के साथ वो काम किए, अगर वो बोल दी तो इसमें कौन सा गलत बात बोल दी है? इसमें आप लोग हमेशा, अगर कोई खेसारी लाल यादव को प्यार करता है और खेसारी लाल यादव को वहीं पे आप गाली दीजिएगा तो वो बर्दाश्त करेगा? बात वहीं आ गई है। वो जब उनके लोग बोले, वहां पे जो उनके शूटिंग पे लोग थे कि हम नहीं जानते हैं, तो अभी देखी वो हमको वीडियो भेजी थी, हम बोले जाने दो बेटा कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। तब वो बोल दी वो भी गुस्से में कि हम नहीं जानते हैं। इस बात के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं। अरे कोई भी किसी भी घर की वो बेटी है, आपकी भी बेटी हो सकती है, किसको वो क्या बिगाड़ी है बेचारी? वो अपना मेहनत कर रही है, अपना 2 रुपया कमाने के, चाहे नहीं भी कमाएगी नहीं भी इंडस्ट्री में, सब लोग उसको गाली गलौज कर रहे हैं आप लोग। ये हमारे भोजपुरी के लिए गर्व की बात है कि एक लड़की आके, और वो फैन ही सही लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके आज उसका गाना इतना बज रहा है, माने कुछ चालू हो जाता है। आए गाना वाना बदल रही थी, फलाफ हो गई रही तो नानू बोलते लो। सच्चाई बात है, हम लोग खेसारी भैया के साथ जो भी रहता है, खेसारी लाल यादव का आत्मा से दिल से प्यार करते हैं हम लोग। उनको कोई बोलता है तो तकलीफ लगता है, इसमें नो डाउट। तो इसमें कौन सी बड़ी बात, कौन सा बड़ा वो तीर मार दी है? भैया मैं भी नहीं जानता। नहीं, जो भी हो, जब भी होता है तब भोजपुरी में ऐसे ऐसे तुम लोगों दो तरफा बातें क्यों करते हो? सिर्फ अकेला इंसान का विरोध तुम लोग करते हो, कायर इंसान कहीं का। दिन रात कोई बोलता है, मसूरिया बोलता है, कोई बोलता है, कुछ बोलता है, वो बेचारा कुछ नहीं बोलता है, सलीनता से अपना काम कर रहा है, आज पब्लिक का प्यार उसको मिल रहा है, उसका गाना सबसे ज्यादा बज रहा है, तो तुम लोगों को वही इंसान से इंटेंशन हो जाता है हमेशा। एक खाली प्रियंका पंडित बोल रही तो अगर तार लोग मुहाम में कागज रहे, उस टाइम आप लोग नहीं बोल रहे थे? अरे भाई, आप लोगों का, आप लोग
ऐसे ही आशीर्वाद प्यार दे रहे हैं। पब्लिक जिसको चाहती है वही हीरो है, पब्लिक सबको प्यार कर रही है ना, हम लोग पब्लिक से हैं। उसने बोल दिया, एक लड़की है वो बोल दी, वो नहीं लाइक करती होगी। अब ऐसा थोड़ी है कि खेसारी जी को सब लोग लाइक करता है, ऐसा बहुत लोग है जो खेसारी भैया को पसंद नहीं करता है। तो हम उससे लड़ाई करने जाएंगे जी, उसको हम गाली देंगे। आप लोग प्लीज इस तरह से किसी भी बेटी, कोई किसी की भी घर की वो बेटी है, उसको आप इस तरह से बेइज्जत नहीं कर सकते हैं। किसी का हक नहीं है कि आप किसी बेटी को बेइज्जत करिएगा। वो हमारे घर की बहन हो चाहे आपकी घर की बहन हो, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है उससे। और मैं सोम्या के साथ हूँ। सोम्या को आप लोग ऐसे इतना दो दिन से हम चुप थे, नहीं बोल रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो अकेले है और उसको कोई बोलेगा और हम बर्दाश्त। तो आप लोग आशीर्वाद प्यार दीजिए, और जो गाना बज रहा है उसको आप लोग इतना आशीर्वाद प्यार दे दीजिए कि सोम्या को ये नहीं पता चले कि मैं अकेली हूँ। और आप सब ऐसे आशीर्वाद प्यार देते रहिए। गाना बजाता तो अरे किरो वाला से ही निका झोरे बनावा के पाता हाँ प्यार के मतलब रब जिया जुए बुझाता अरे कि अखिलेश के खेसारी खातिर भुलाइल बड़ी हमारी जान आज हर दिसले टाइल बड़ी हमारी जान आज हर दिसले टाइल बड़ी। क्या गाना बज रहा है कि ले ले आई एगो कोको कोला ए राजा जाई बाजारे। हमारा बुझाता कि पटना से बॉक्सर तक बड़ा हर जगह कोको कोला कजरा हरदी लगे जान के गाना बजाता। तो ये आप सबका मोहब्बत है, इसी तरह अपने हिट मशीन को प्यार देते रहिए, इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि लोगों की बेचैनियाँ इसी तरह बढ़ती जाए। आप सब ऐसे ही आशीर्वाद प्यार दीजिए। और उसने कोई गलती नहीं बोला है, अगर हम किसी को लाइक नहीं करते हैं तो उसको वो बोल दी है तो उससे फ्लो में निकला, या वो जान के भी बोलिए तो कोई बात भेजा गया है उनके वहाँ पे शूटिंग पे। बाउंसर लोग बोल रहे हैं कि हम खेसारी लाल यादव को नहीं जानते हैं, तो वो लोग जब बोल सकते हैं तो ये बोल दी तो मिर्ची लग गई। कोई भोजपुरी में बोलता है खेसारी लाल यादव को नहीं जानते उस टाइम आप लोग का जुबान नहीं निकलता है। खेसारी लाल यादव एक अकेला मिल गया है सबको लड़ने के लिए, पब्लिक खेसारी लाल यादव के साथ है। जितना विरोध करना है आप लोगों को, आप लोग नहीं बजेंगे तो विरोध करेंगे, याद रखिएगा। आप लोग खेसारी लाल यादव पराजित नहीं हो सकता है, खेसारी लाल यादव के साथ पूरी यूपी बिहार और झारखंड की जनता है, ये आप लोगों ने साबित कर दिया है। और ऐसे ही आप सब आशीर्वाद प्यार देते रहिए हमारे हिट मशीन को कि हमेशा झंडा जो नंबर वन वाला हो यही तरी उड़वल रहिए हमने के बका बका बोले सब। लव यू आप सब के, आप सब ऐसे ही आशीर्वाद प्यार देते रहें जा, गर्दा के लिए रहें जा, फिर आप सब से कॉल मिला।